हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेडीसी लाइव। सो डिस्टेंस टॉपर स्टॉक सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ आज टॉपर स्टॉक सीरीज में कौस्तुभ दल नहीं है, और कौस्तुभ की जी बैट की हम बात करते हैं तो ऑल ओवर इंडिया रैंक रही है इनकी 28। और तो कौस्तुभ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। एंड राइट नाउ क्या आपका एक्सपीरियंस है, कैसा फील कर रहे हैं अभी आप? थैंक यू सर। लाइक जेडीसी में जुड़ा हूँ क्रैश कोर्स की वजह से, नवंबर में लिया था, लाइक 7 मंथ का जर्नी था और बहुत ही अच्छा और बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। नहीं, 7 मंथ इस बार तो क्रैश कोर्स ही काफी प्राइम कोर्स के जैसा ही हो गया, क्योंकि काफी लंबा हो गया था, है ना, हर चीजें आपको वहाँ पे प्राइम कोर्स वाली ही मिली थी। तो दोस्तों, कहाँ से आपने सोचा कि नहीं मुझे जीपैट करना है, तो जीपैट का मेन आपका कहाँ से मोटिवेशन आया कि नहीं जीपैट तो करके ही दिखाना है? सर, लाइक थर्ड ईयर से ही था, पहले से ही करना है, एक अच्छे इंस्टीट्यूट से इन्फॉर्म करना है, तो वहीं से स्टार्ट हुआ कि अच्छे जीडीसी से जुड़ना है और जीडीसी से कोचिंग लेके अच्छे से तरीके नई पर में जाना। तो मेन आपका जीपैट में जुड़ने का जो मतलब मैं रीजन समझू वो था कि नहीं इंस्टीट्यूट कोई अच्छा होना चाहिए और नाइपर से ही आपको करना है, कुछ ऐसा आपने पहले ही सोच लिया हुआ था, तो नाइपर से आपको करना था, उसके लिए आपने जीपैट को प्रिफर किया। जीडीसी कैसे आपको पता चला कि जीडीसी कोचिंग है, जीडीसी इंस्टीट्यूट है जो कि आपका इस जीपैट की प्रिपरेशन कराती है, कहां से आप जुड़े हमारे? लाइक थ्रू यूट्यूब से ही, और लाइक वीकली फर्स्ट में जुड़ा था, वीकली टेस्ट है, उसके बाद मैंने कोर्स लिया और इसी शुरू हो गया, और ऐसे आप फिर ये कारमा बढ़ता गया आगे और आज हमारे साथ ये रैंक भी इतनी अच्छी हमारे साथ देखने को मिल रही है। ओके दोस्तों, तो आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हुई, अगर मैं कोर्स में आता हूँ आपके पहले लाइव क्लासेस शुरू हुई, इंडिविजुअल अगर हम टीचर वाइज बात करते हैं, आपको क्या किस टीचर की बातें अच्छी लग रही थी, और कोर्स वाइज भी मतलब हर सब्जेक्ट का आपको क्या कैसा फील था वहाँ पे? सर, सभी लोगों का, लाइक अमित सर, राहुल सर, सीटिक्स में बात करूँ तो अमित सर का बहुत अच्छा लगता था, राहुल सर का भी बहुत अच्छा था, बायोफार्मास्यूटिक्स बहुत ही अच्छे से उन्होंने पढ़ाया, और लाइक केमिस्ट्री में तो आप ही थे तो और दूसरी जगह कोई जाने की जरूरत ही नहीं थी। लाइक सेम लाइक अभिषेक सर ऑल्सो, लाइक अभिषेक सर से सब कुछ अच्छे से हो गया, और लाइक ऐसे ही सभी टीचर जो जिन लोग जुड़े थे हम लोग के टेस्ट कोर्स के साथ, सभी ने बहुत अच्छे से हम लोगों को मोटिवेट किया, हम लोगों को लाइक कंटिन्यू करने के लिए मोटिवेट किया और आगे बढ़ाया। ओके, मोटिवेशन की आपने बात करी, लंबा ड्यूरेशन होता है जीपैट की प्रिपरेशन जर्नी आपने स्टार्ट करी थी, इस ड्यूरेशन में आपने अपने आप को क्या मोटिवेशन था कि नहीं मुझे इसलिए जीपैट करना है, या फिर आपका बिगेस्ट सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या रहा इस पूरे प्रिपरेशन जर्नी के दौरान? सर, आप लोग ही थे, लाइक आप लोगों को देख के ही लगता था कि हम लोगों को भी मेहनत करना चाहिए, ज्यादा आप लोग जैसे मेहनत करते थे हम लोगों को भी लगता था कि हम लोग भी ज्यादा एफर्ट डाले और अच्छे से रैंक बनाए। ओके, तो ये तो हुआ आपकी बात। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हो, अच्छा बहुत सारे अलग अलग, क्योंकि लॉन्ग ड्यूरेशन हो जाता है तो बहुत सारे अलग अलग काइंड के फेल्योर्स भी हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, बहुत सारे अलग अलग बातें होती है जो हम सोच रहे होते हैं हमारे सोच के अकॉर्डिंग वो नहीं चल रहे होते जैसा हम चाहते हैं, वैसा नहीं होता है। उस दौरान आपको क्या लगता है कि क्या क्या चीजें थी जो आपको ऐसा फेस करना पड़ा था? सर, जब लाइक होता था कि टेस्ट में कम मार्क्स कम आते थे तो उसी टाइम मैं करता था कि वही टॉपिक को मैं दूसरे, क्योंकि जीडीसी में लाइक कोर्स में डाला हुआ है बहुत सारे टेस्ट है, वही सेम टॉपिक को मैं रिपीट करता था टेस्ट में और इम्प्रूव करने की कोशिश करता था, रिवीजन में फोकस, रिवीजन और टेस्ट सीरीज, मतलब आपने टेस्ट सीरीज में काफी ज्यादा फोकस किया, और रिवीजन तो जैसा कि होता ही है और ये काफी इंपॉर्टेंट भी होता है। देखिए कि रिवीजन्स आपको करते रहने हैं, रिवीजन्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आप चीजों को स्टोर करिए अपने ब्रेन में, वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है, तो ये आपका ये हुआ। अच्छा, मैं अगर आपका उस से पूछूं आपसे कि डेली का जो स्टडी रूटीन था आपका इस पूरे प्रिपरेशन जर्नी के दौरान, वो डेली स्टडी रूटीन आपका क्या फॉलो कर रहे थे आप? सर, ऑलमोस्ट लाइक 5 to 6 hours ही होता था, कुछ कुछ दिन लाइक जीपैट के पहले थोड़ा ज्यादा हुआ था, नहीं तो ऑलमोस्ट ऐसे ही 5 to 6 hours ही रहता था। 6 hours का था, तो इस बीच में आप सिर्फ पढ़ाई मतलब कॉन्सेप्ट ही पढ़ रहे थे या क्वेश्चन भी था? क्वेश्चन और लास्ट 50 days में तो 50 days मॉडल पेपर था, वही लाइक 50 days मॉडल पेपर में ऑलमोस्ट 40+ अटेम्प्ट किया था, बाकी तो हर एक टेस्ट वीकली टेस्ट था, मॉड्यूल में जो फिंगर टिप वगैरह थे वहाँ से ही, और जो MCQ वगैरह बुक थे लाइक वहीं से मैं प्रैक्टिस करता, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर रहे थे। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि यहाँ आप अपने जूनियर्स को क्या बोलेंगे कि किन चीज़ों पर अगर आप अच्छे से कमांड करते हैं, किन किन चीज़ों पर है जो कि काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होती है, अगर इनको आप सही से करते हैं तो एक अच्छी रैंक तक पहुँच सकते हैं? सर, लाइक रिविजन इज मस्ट, रिविजन विथ टेस्ट सीरीज और रिविजन दोनों बहुत अच्छे से करना है, दो चीजें आपको बहुत अच्छे से परफॉर्म करनी होती है, ठीक है, और एनालिसिस करना, आपके जो क्वेश्चन आपने गलत किए हैं उनका एनालिसिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को सिर्फ करना नहीं है आपको क्वेश्चन को एनालाइज करना है, आप अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करना है बेसिकली। ओके, तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आपसे इस पूरे प्रिपरेशन जर्नी के दौरान, ऐसे कौन कौन से आपको लगता है कि कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जो कि आपको लगता है कि नहीं ये काफी अनफेवरेबल हो जाती है, लाइक अगर आपने बोला जैसे कि अभी एक मार्क्स को लेकर के, मार्क्स हमेशा एक जैसे तो आते नहीं है, तो मार्क्स जब आपके कम ज्यादा हो रहे हैं तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है हमें?
सर लाइक वही रिविजन पे फोकस करना है, जो चीज़ समझ में नहीं आ रहा है लाइक वीडियो देख के मॉड्यूल वगैरह देख के और कोई स्टैंडर्ड बुक देख के वही चीज़ को रिपीट करना है और अच्छे से परफॉर्म करना है और कुछ नहीं। ओके, मॉड्यूल्स आपको क्या लगता है मॉड्यूल्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं? सर मैं तो बोलूंगा जीपेट के लिए, जीपेट और नाइपर के लिए मॉड्यूल ही सफिशियंट है। मॉड्यूल से लाइक स्टैंडर्ड बुक कुछ कुछ चीज के लिए चाहिए, नहीं तो जीडीसी मॉड्यूल ही सफिशियंट है। मॉड्यूल्स इनफ है, मॉड्यूल्स में आपका सारा कंटेंट मिल गया था आपके इस प्रिपरेशन के लिए। अच्छा नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, आपने बोला 50 डे 50 मॉडल पेपर, ये जो मॉक थे आपके, क्योंकि इस बार अलग अलग पैटर्न के भी आपके मॉक देखने को मिले थे आपके एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग, तो ये मॉक कितने हेल्पफुल होते हैं या फिर आपके मॉक के स्कोर क्या रहा करते थे, क्या ऐसे ही थे जैसा अभी आपके स्कोर किए थे? नहीं इतना तो ज्यादा नहीं आता था, इससे कम आता था क्योंकि मॉक में क्वेश्चन थोड़ा हार्ड रहते थे लाइक, इसीलिए तो मार्क्स उतना ज्यादा नहीं आता था जो जीपेट में आए हैं। बट वही लाइक मॉक्स आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे नंबर लाइक आपको एनालाइज करना, आपको एनालिसिस में ही हेल्प मिलेगा कौन सा टॉपिक आपका वीक है स्ट्रॉन्ग है, आप फोकस कर सकते हो उसी चीज पे, उस पे आप फोकस करिए। और मॉक्स मतलब आपके हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं, है ना, क्योंकि ये जरूरी है, आप जिस एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस कर रहे हो आपको उसको अच्छे से जानना होगा, और ये जान पहचान कैसे होगी उसके साथ जब आप मॉक्स को प्रैक्टिस करते हो। 125 क्वेश्चन आपके जीपैट में आते हैं, तो 125 क्वेश्चन आप अगर हर रोज प्रैक्टिस करते लाइक मॉक की बात करते हैं, तो 50 डे 50 मॉक का हमारा कॉन्सेप्ट था, 50 दिन तक एक जैसे पेपर्स आपको देखने को मिल रहे थे, 125 क्वेश्चंस के ही पूरा का पूरा टेस्ट देखने को मिल रहे थे, तो ये कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट हो गया था। आपको भी कौस्तुभ ऐसा ही कहना होगा, क्योंकि बाकी बच्चों का भी यही कहना है कि सर हम 50 डे ऑलरेडी इतना प्रैक्टिस कर चुके थे ना कि फाइनल एग्जाम में हमको लग रहा था मॉक ही दे रहे हैं, हम कुछ अलग नहीं कर रहे थे। सेम लाइक हम लोग ऐसे ही फील हुआ हमें बैठ के लाइक एक मॉक की तरह ही है, हम लोग जो देते थे लाइक एक टाइम पीरियड रहता था आपको क्या लगता है कि अगर ये प्रिपरेशन में और पहले या फिर कब से स्टार्ट कर देनी चाहिए, कितने समय पहले से स्टार्ट कर देनी, क्या आपको भी लगता है थोड़ा और पहले से स्टार्ट किया जा सकता था या ठीक था ये? लाइक थोड़ा पहले से, मैं बहुत लेट स्टार्ट किया, लाइक थोड़ा पहले से स्टार्ट करना चाहिए तो रिवीजन में टाइम ज्यादा मिलता है, और रिवीजन में टाइम ज्यादा मिलेगा तो आपको अच्छे स्कोर देखने को मिलेगा लाइक कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो मींस अगर हम बात करें यहाँ पे कि कितना आइडियल टाइम ड्यूरेशन एक दिन में आपको देना चाहिए इस प्रिपरेशन के दौरान? सर लाइक बिफोर लाइक 1 month आपको जितना ज्यादा हो सके टाइम देना चाहिए लाइक, और फॉलोइंग आप दे सकते हो 5 to 6 hours, मिनिमम तो 5 to 6 hours आपको देना चाहिए। तो मींस टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग अपनी हम स्ट्रेटजी प्लान करें अपने इस प्रिपरेशन की, या फिर आप टारगेट बेस्ड स्टडी पे जाओगे? नहीं लाइक मेरा था टारगेट बेस्ड, क्योंकि मेरा ऐसा था कि कुछ कुछ टॉपिक में कुछ कुछ हो जाता था, कुछ कुछ के लिए ज्यादा टाइम लगता था, तो टाइम टारगेट में सेट करता था कि जो टॉपिक हार्ड है उसके लिए मैं ज्यादा टाइम दूंगा, जो इजी टॉपिक है उसके लिए कम टाइम में भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं उसके लिए कम टाइम में भी हो जाएगा। अच्छा मेजर और माइनर का जो कॉन्सेप्ट होता है, आपने मेजर और माइनर कितना कितना परसेंट सिलेबस का कवर किया था? सर लाइक मैंने ऐसे कुछ चूज नहीं किया था, मेजर में दोनों पढ़ा था क्योंकि मेरा फोकस जीपेट में ही था, नाइपर में भी था, दोनों में था, तो इसीलिए मेजर और माइनर कुछ डिफरेंस नहीं किया। हाँ पैथो थोड़ा उतना ज्यादा नहीं किया था, नहीं तो बाकी सब अच्छे से किया। नहीं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को लगता है कि नहीं हम अगर 100% सिलेबस कवर करेंगे तभी हम एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर्ड हैं, तो क्या ऐसा जरूरी है कि 100% ही करना है? 100% क्या कौस्तुभ ने भी 100% किया था? नहीं 100% तो मैंने भी नहीं किया, लाइक किया था, लाइक कुछ कुछ चीज आपको जानने के लिए भी पढ़ना चाहिए, लाइक ऐसे नहीं कि एग्जाम में आएंगे इसीलिए पढ़ेंगे, कुछ कुछ चीज मैंने ऐसे ही जानने के लिए पढ़ा था क्योंकि टाइम थोड़ा थोड़ा मिल जाता था, तो इसीलिए वो भी कंप्लीट कर लिया था। हाँ पे आपने कर लिया हुआ था। अच्छा मैं आपसे अगर पूछना चाहूँ यहाँ पे आपके जूनियर्स के लिए, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं यहाँ से कि क्या चीजें हैं जो कि उनको करनी चाहिए अभी? सर लाइक सबको एटलीस्ट 1 year पहले 1 year टाइम देना चाहिए प्रिपरेशन के लिए, और लाइक लास्ट 3 to 4 months पूरा रिविजन में फोकस करना चाहिए, लाइक कोई नए टॉपिक नया कुछ नहीं करना है, जस्ट जो पढ़ा है जितना भी पढ़ा है लाइक 50% 60% जो भी है जिसका भी है लाइक उसी को ही कंटिन्यू करना है, उसी को आप कंटिन्यू करते चलिए, उनका ही सिर्फ आप रिविजन करते रहिए। yes, और उसके साथ मॉक टेस्ट आप देते रहिए, मॉक टेस्ट आपने जो पढ़ रहे हैं उसमें कितना yes, आपने याद हुआ, कितनी चीजें आपकी क्लियर हुई, वो आप वहां से टेस्ट के थ्रू अपने आपको एनालाइज कर सकते हैं, जान सकते हैं आपके अपनी प्रिपरेशन का। तो ये थे हमारे साथ कौस्तुभ जिन्होंने अपने सारे एक्सपीरियंसेस को बताया, थैंक यू सो मच कौस्तुभ आप हमारे साथ जुड़े और आपने यहाँ पे बताया अपने सारे एक्सपीरियंसेस को। मिलते हैं आप लोगों से एक नए टॉपर के साथ एक नए वीडियो में, थैंक यू आप।